अफगानिस्तान से कैसे आरंभ हुआ महाभारत का षड्यंत्र, क्या शिव के नाम से हुई है अफगानिस्तान की उत्पत्ति, क्या गांधारी के श्राप से कभी उबर पाएगा अफगानिस्तान। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज की तारीख में मन में उठते ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी और तालिबान की लौटती हुकूमत ने अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पूरे मुल्क पर तालिबान का शासन कायम हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर सरकारी संस्थाओं और मुल्क के कोने कोने पर तालिबान का कब्जा है। आलम यह है कि भाई मुल्क की आवाम दहशत में है। शरिया के नाम पर तालिबानियों का खूनी तांडव देख अफगानी अपना मुल्क छोड़ने को मजबूर है। और देखिए आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं उन्हें देखकर एक बार फिर गांधारी के श्राप को याद किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि भाई महाभारत काल की गांधारी का वो कौन सा श्राप है जो अफगानिस्तान को कभी शांति से जीने नहीं देगा। कहते हैं ना, इतिहास गवाही देता है। अफगानिस्तान से भारत का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का आरंभ ही अफगानिस्तान से हुआ था, या फिर यूं कहें कि भाई महाभारत जैसे महायुद्ध की जड़ें अफगानिस्तान से शुरू होती हैं। महाभारत जैसे काव्य में जिस गांधार साम्राज्य का जिक्र मिलता है उसे आज अफगानिस्तान का गांधार शहर बताया जाता है। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखे महाकाव्य महाभारत में इस बात का जिक्र है कि आज के अफगानिस्तान पर करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार का राज हुआ करता था। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी का इकलौता भाई जिसका नाम शकुनी था, हिंदू ग्रंथों के अनुसार पांडवों के पितामह भीष्म ने ना सिर्फ गांधार राज्य के ज्यादातर लोगों का वध किया बल्कि राजा सुबल के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया था। और देखिए पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथों में आ गया था। और कहते हैं कि पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। और भाई की इसी साजिश की वजह से गांधारी को अपने मायके वालों को श्राप देना पड़ा था। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के देखे इसी श्राप को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि भाई गांधारी के इस श्राप के दंश से गांधार जो कि अब अफगानिस्तान है वो आज तक उबर नहीं पाया है। देखिए साल 2013 में अफ्रीकी और एशिया द्वारा हुई एक स्टडी में ये साबित भी हुआ है कि अफगानिस्तान का हजारों साल पुराना भारत से संबंध रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गांधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और इसे अब गांधार के नाम से जाना जाता है। आज गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ पूर्वी अफगानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य पोठोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी तक फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भाई पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए। अब यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी और फिर यहाँ से वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। अब देखिए मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया और इसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने कदम रखा और अपनी सत्ता यहाँ स्थापित की और इस तरह देखिए गांधार बन गया कांधार। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई जिस कांधार को गांधार बताया जा रहा है उस शब्द की उत्पत्ति महादेव से। जी हाँ, शिव सहस्त्र नाम में शिव का दूसरा नाम गांधार ही बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गांधार में सबसे पहले शिव भक्तों का ही वास हुआ करता था। तो देखिए इस तरह गांधारी के एक श्राप से आज तक अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो पाई है।